गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ मिनीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिनी द व्लॉग्स। जो सो आज है फ्राइडे है आज, और दो दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे बहुत बुखार वगैरह आ गया था। आज थोड़ा ठीक है और रात भर यहाँ पे बहुत बारिश हुई है और सुबह के टाइम भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो मतलब आज यहाँ पर हो चुका है, कश्मीर बन चुका है, आगरा जो है वो कश्मीर बन चुका है। हर्षित एक्चुअली हाथ मुँह धोने गया, उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि बारिश हो रही थी और इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको स्कूल भेजूं। मतलब स्कूल भेजना तो ज़रूरी है लेकिन ऐसे मौसम हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भेजूंगी, तो मैंने इसको नहीं भेजा है। मैंने बोला कि इसको सोते रहने देती हूँ क्योंकि जगह जग जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा, इधर उधर ज़्यादा भगता रहेगा। तो चलिए अभी बस मैंने उसको गर्म पानी करके दिया है, ब्रश करने गया है, वो आ ही रहा है। कपड़े भी मैंने जैसे ही सुखाए इधर उधर किवाड़ों पर और ऐसे सुखाए मैंने सारे कपड़े, तो आपको कपड़े दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं टंगे हुए। बिल्ली, हाँ क्या हो गया अर्षित, क्या हो गया? कुछ नहीं चाहती है, साड़ी है, बार बार दो दो को लगा दिया, 10-15 बार लगा दी। बिल्ली के बच्चे बार बार ले आते हैं, गंदे कर देते हैं। मैंने बताया चाची साड़ी बचानी है तो जाओ चाची भाभी। तो हर्षित आ गया ब्रश करके। एक्चुअली वो बिल्ली ने बच्चे दिए ना तो आगे वाली छत पर ही रहते हैं वो, हमने भगाए नहीं है, सर्दी है और कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमने भगाए नहीं थे। और जो बच्चे क्या करते हैं, हम कपड़े सुखाए थे उन कपड़ों को खींच लेते हैं और फिर गंदा करते रहते हैं। तो मैं निकाल रही हूँ मलाई दूध में से क्योंकि मैं हर्षित को दूध दूंगी आज। बिल्कुल भी बहुत ठंडा हो रहा है, हर चीज़ ठंडी हो रही है आज बहुत। हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा कि इस चीज़ को हाथ लगा लो। तो आप बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है, मतलब सर्दी हो रही है क्या? यहाँ तो पूरी बारिश, पूरी छत वगैरह सब ऐसी गीली हो रही है, सड़कें गीली हो चुकी हैं, यहाँ पे तो पूरा कश्मीर बन गया है। तो अब आप लोगों को कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप लोगों के यहाँ पे सर्दी वो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। एक्चुअली टीवी पे मूवी चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो मूवी वाली चल रही है वो गोविंदा की मूवी है ना, शिल्पा शेट्टी के साथ में और रवीना टंडन के साथ में एक मूवी है ना, कौन सी बन अजी कौन सी मूवी है, इसका नाम क्या है? परदेसी बाबू। ये परदेसी बाबू पिक्चर आ रही है और ये इतनी बार आ चुकी है इस चैनल पर, एक ये वाली पिक्चर और बनारसी बाबू और परदेसी बाबू और बादशाह मूवी, ये वाली मूवीज है ना, ये इतनी बार दिखा चुका है चैनल की रट गई है, अब इसके बाद ये वाला आएगा सीन। तो मैं देखती नहीं हूँ लेकिन टीवी, लेकिन आवाज़ मुझे आती रहती है। तो चलो तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है हर्षित के लिए और मैं इसको गर्म कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उसको ही दूध दे देती हूँ क्योंकि कम नहीं बज रहे हैं, 11 बजे हुए हैं और आज की दिनचर्या जो है देर से ही स्टार्ट हो रही है। सुबह की अगर मतलब जो होती है कि जो मैं करती हूँ अर्ली मॉर्निंग वाली 5 बजे वाली, वो मैं कर चुकी हूँ, पर जो बाद की होती है ना, बेडशीट वगैरह सही करनी है, ये सब कुछ ये नहीं करा है मैंने अभी, कि मैं भी पूजा वगैरह करके और सो गई थी। मैंने मेरे को ये जब इन्होंने कहा कि सर्दी में ना, जब सर्दी हुआ करे ना तब मत जगा कर इतनी जल्दी, जब हर्षित को स्कूल नहीं भेजना होता है तो क्यों उठती है। तो पर वही है ना कि एक बार जो सुबह का उठने का आनंद ले लेता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आनंद ले लेता है और उसके फायदे समझ लेता है, उसके बाद में फिर वो नहीं सो सकता इतनी देर तक, और वो चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। और गीता में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और कम से कम एक स्त्री को तो उठना ही चाहिए। तो मैं जो हूँ जल्दी उठती हूँ इसलिए ही,
तो आप लोगों में से कौन कौन है जो गीता पढ़ता है? इस समय मैं गीता पढ़ रही हूँ, यथार्थ गीता। इससे पहले मैं गीता सार पढ़ रही थी, लेकिन वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी। मैं गीता यथार्थ पे आ गई क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने गीता यथार्थ स्टार्ट करी है। आप लोग गीता पढ़ते हो तो कौन सी गीता पढ़ते हो आप लोग, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। चलिए हर्षित को दूध के अंदर, एक्चुअली मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ और अदरक डाल रही हूँ उसको। अगर मैं चाय की पत्ती डालूंगी तो रंग चेंज हो जाएगा और फिर ये नाटक करने लग जाएगा कि ये चाय नहीं, ये दूध भी नहीं है, ये चाय भी नहीं। तो मैं डाल देती हूँ अदरक। तो मैंने डाल दी है अदरक इसके अंदर, दूध के अंदर। अब ये हो जाएगा तो मैं इसको हर्षित को दे दूंगी। एक्चुअली ना मेरे दो दिन से मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, और ये अंगूठा आपको पता है इतना सूज गया था ये अंगूठा, इसकी वजह से मेरे से काम नहीं हो रहा था। क्योंकि ये जो अंगूठे के अंदर जो ये नाखून है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक डॉट, ये मतलब इतना सा लगा है, मतलब मेरे से साड़ी की पिन खोलते समय में ना साड़ी की पिन लग गई है यहाँ पर, दिख रहा है ब्लैक ब्लैक। तो ये इसकी वजह से मेरा पूरा अंगूठा जो है ना सूज गया, और अब ना इतना दर्द कर रहा है। और अब तो खैर मेरा ठीक है, मैं हाथ लगा पा रही हूँ, टच कर पा रही हूँ, लेकिन अभी भी ये है कि जैसे मैं कुछ टाइट पकड़ती हूँ और फिर मैं कुछ करती हूँ, जैसे कसी मैंने अदरक, तो मुझसे बिल्कुल भी कसी नहीं जा रही है, ऐसा मतलब हो गया है। तो आप जब भी है ना ऐसे पिन वगैरह हटाएं ना, तो नाखून का जरा देख करके फिर हटाना चाहिए। पता मेरा कई बार मन करता है कि मैं नेल्स को ना बढ़ा लूँ, मेरे नेल्स ना बहुत अच्छे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे, मतलब कई लोग होते हैं ना जिनके नेल्स नहीं बढ़ते हैं, इतने ही रहते हैं छोटे छोटे से, मेरा ऐसा नहीं है, मेरे नेल्स ना बहुत अच्छे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी भी बढ़ते हैं। तो ना मेरे नेल्स की नेचर है, तो मैं सोचती हूँ बढ़ाऊँ, लेकिन जब मैं ये ऐसी चीज़ हो जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, और कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी भी रहती है। और ये हर्षित के पापा तो ऐसे हैं, कुछ ज़्यादा ही हाबड़ दाबड़ मचाते हैं, एकदम से आएंगे भयाते हुए, भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मेरे को एकदम से करने पड़ते हैं सारे काम। तो और ना कहीं से भी कोई भी नाखून गलत जगह से टूट जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो इससे अच्छा है कि ना ही बढ़ाऊँ। शादी से पहले तक मेरे नाखून काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन शादी के बाद में भी मेरे रहे हैं, हर्षित के होने तक। हर्षित के होने के बाद में मैंने सारे नेल्स कट कर दिए, क्योंकि छोटा सा जो बाबू होता है ना, छोटा सा बेबी होता है ना, उसकी जो स्किन होती है ना इतनी सॉफ्ट और इतनी वो होती है ना, पता नहीं माँ कितने सारे सैक्रिफाइस करती है एक बच्चे को पालने के लिए। तो चलिए इसको दूध दे देती हूँ मैं। और मैंने व्लॉग स्टार्ट इसलिए करा, मुझे ऐसा लगा कि दो दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं डाला है, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। मजा आ गया लाइव करके, आ गया ना। अब जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी अब दोबारा से। अभी मैं बना रही हूँ अपनी चाय, मैंने चाय बनाने चढ़ा दी थी। चाय बनाने के बाद में मैं बिस्तर सही करके आई हूँ सारे, और सब्जी वगैरह मैंने निकाल दी। मैं बनाऊंगी गोभी, आलू, मटर, टमाटर डाल के एक सब्जी, और रायता बनाऊंगी बथुए का, तो ये सब्जी बनाऊंगी मैं, और चाय पी लूँ पहले मैं, उसके बाद में सब काम। तो लाइव करके मज़ा आ गया। मैंने एक बार पहले और किया था, देवर की शादी में किया था, और जब रिसेप्शन था तो बहुत ज़्यादा साउंड था, मैंने किसी से बात नहीं करी थी, बस है ना मैं मतलब लाइव दिखा रही थी। एक्चुअली मैंने लाइव भी बताया क्यों आई थी, जो मेरे फ़ोन की बैटरी थी ना वो बहुत कम थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वीडियो तो बना नहीं पाऊंगी किसी भी हालत में, तो इससे अच्छा है कि मैं लाइव आ जाती हूँ, 10-15 मिनट का मेरा लाइव का वीडियो बन जाएगा। और मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ रिसेप्शन का, क्योंकि मैंने पूरी शादी दिखाई थी और रिसेप्शन ही रह जाता फिर तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाती, इसलिए मैंने क्या करा मैं लाइव आ गई। मैंने थोड़ा सा दिमाग का यूज़ लिया वैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। नहीं मेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग की मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मैं भाई दिल वाली इंसान हूँ। फिर वो ये छोरा पीछे से तो बस अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। हर्षित मेरे को दूसरी चलनी ला के दियो, ये पता चलनी इतनी बड़ी है ना कि इसमें से अगर चाय डालो ना तो इधर उधर से फैलती है, मेरे को तिरछा करके और फिर धीरे धीरे डालनी पड़ती है। तो तू है ना ऐसा करके दूसरी चलनी लेके आई हो पापा से, है ना, ये घी वी के काम आ जाएगी। अभी पता मैं क्या कर रही हूँ, घी के लिए भी यही काम में ले रही हूँ, चाय के लिए भी यही काम में ले रही हूँ, मेरे पास है ही नहीं है। ये चलनी पता है कब की है, जब हमारे ऊपर किचन नहीं थी ना, मैं नीचे ही काम वगैरह करती थी, तब की ये है चलनी, ये चलनी काम आती थी हर्षित
को मैं ऊपर दूध लेके आती थी ना, और इसके दूध में अगर जरा सी भी मलाई आ गई तो भाई साहब ये नहीं पीते हैं दूध। तो मैंने इसलिए छलनी रख रखी थी और मैं एक गिलास रखती थी हमेशा अपने पास, फिर उसे मैं छान करके और इसको दे देती थी, नीचे जाना ना पड़े इसलिए, क्योंकि ना हमारी जो सीढ़ी है ना, हमारा जो नीचे जाने का रास्ता है ना, एक तो यहाँ से निकल के बहुत आगे जा करके फिर है, और दूसरी चीज जो सीढ़ी है ना वो इतनी ऊंची ऊंची है कि नीचे उतरने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चढ़ने में ना हो जाती है। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद में हम काम स्टार्ट करेंगे। मैंने बिस्तर वगैरह सही कर लिए हैं। एक्चुअली बारह में ना बिल्ली आ रही, बिल्ली के बच्चे है ना बहुत परेशान कर रहे हैं, अब चलने लग गए हैं ना और उछल कूद करने लग गए हैं, बहुत परेशान करने लग गए। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी पी लीजिए सर्दी में गर्मा गर्म चाय। आज तो मौसम भी है और क्या बोलते हैं, मौसम जो है वो औसम हुआ पड़ा है कश्मीर हुआ पड़ा है आगरा। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, भाप भाप भी अच्छी लग रही है, और गर्मियों में ये भाप भी ऐसी लगती है, बस क्या बताऊँ। और अभी तो इतनी अच्छी लग रही है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ जब मैं प्रिपरेशन करूँगी ना इसकी। तो मैंने बिस्कुट ले ली है और मैंने चाय ले ली है, बस अब मैं जा रही हूँ पीने के लिए चाय। चाय पीते पीते एकदम से याद आया कि इनके लिए तो मैंने नाश्ते की तैयारी करके नहीं रखी, तो मैं जल्दी से आई हूँ आटा लगाने के लिए, कि आलू रखे हुए हैं बॉयल मेरे पास, तो आलू के पराठे बना दूंगी और आटा लगा के रख दूँ तभी तो बनाऊंगी। ये एकदम से आएंगे बहराते हैं फिर चिल्लाते हैं कि तैयारी भी करके नहीं रखी हुई है, और मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं लाइव के चक्कर में मेरा ना एक्चुअली मैं सोच रही थी कि है ना मैं ना दूध दे देती हूँ हर्षित को, फिर चाय बना करके और फिर मैं पी करके काम कर लूंगी, लेकिन फिर मैं वीडियो के चक्कर में रह गई। अब मेरा आटा लग गया है, अब यह है कि मैं तसल्ली रहेगी, आएंगे ना तो मैं जल्दी से बना दूंगी। मुझे ना तैयार रहना अच्छा लगता है कि तैयार रहो किसी भी जंग के लिए, तैयार रहो, ये आएंगे ना तो तैयार हूँ मैं कि मेरा आएंगे तो बना दूंगी मैं पराठे। हाथ धोऊंगी आएंगे, हाथ धो लिया मैंने। अब मेरी पता है मैं चाय पीते पीते उठ के आई हूँ, इतना डर है मुझे अपने पति का इतना डर है मुझे अपने पति का कि चाय पीते पीते भी मैं उठ के आई हूँ। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ अब जो बची है। सो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सब्जी वगैरह काट ली थी, गोभी आलू मटर की सब्जी मैं बनाऊँगी, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला है सरसों का, उसके बाद में मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, और सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है मटर। तो मटर इसलिए मैंने डाली है सबसे पहले क्योंकि जो मटर है ना बहुत मतलब थोड़ी पकी पकी सी है, तो क्या होगा कि तेल के अंदर ये इस तरह से बहुत जल्दी मिनटों में ना पक जाती है, वरना सब्जी के साथ में पकाओ ना तो फिर ये थोड़ी सी है ना टाइट टाइट सी रहती है, और इस तरह से पकाओ ना पहले डाल दो सबसे पहले तो ये जल्दी से पक जाती है। जैसे प्याज का फंडा होता है ना कि सबसे पहले प्याज ही डालनी चाहिए, वैसे ही मटर का है, तो सबसे पहले मटर डाल करके ऐसे भून लो ना तो जल्दी से पक जाती है। उसके बाद में मैंने बस सारे मसाले डाले हैं, हल्दी डाली है थोड़ी सी, धनिया पाउडर डाला है, मिर्ची डाली है, उसके बाद में मैंने गोभी और आलू को ऐड कर दिया है और सारे मसालों को सबसे मिक्स कर लिया है, साथ में नमक भी डाल दिया है। तो अच्छे से इनको मिक्स करके और बस इसको ढक करके कुक होने दूंगी, मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, एक बार इसको गाड़ करके देख लेते हैं सब्जी का क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है, इसके आलू जो है वो थोड़े थोड़े से हो गए हैं, तो इसके बीच में एक ना वो करके थोड़ा सा कुआ सा बनाकर उसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगी और सारी सब्जी से ढक करके टमाटर को भी अब पकने दूंगी। और यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ रायता, जैसा कि मैंने कहा था। तो एक कटोरी में मैंने डाल दिया है बथुआ जो पिसा हुआ है, आधा मैंने रख दिया है मतलब उठा करके, और बाकी का जो थोड़ा सा है उसके अंदर मैं बथुए का रायता बनाऊंगी। तो मैं बस इनके लिए बनाऊंगी, मैं खुद के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना, मैंने कल खिचड़ी बनाई थी ना तो मेरे पास वो खिचड़ी रखी है, तो मैं तो वो खिचड़ी खाऊंगी और गोभी की सब्जी से रोटी खा लूंगी, रायता मेरे को नहीं खाना है क्योंकि मुझे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इनके लिए और हर्षित के लिए बस,
क्योंकि हर्षित भी बथुए का रायता ज़्यादा नहीं खाता है लेकिन फिर भी खा लेता है, और बथुआ फिर फ़ायदा भी करता है ना, इसलिए मैं इस तरीके से दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि थोड़ा सा रायता बना रही हूँ इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, मथनी का। और यहाँ पर मैंने जो टमाटर हैं वो भी हो गए हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा सा जो कलछी है उसी से ना थोड़ा थोड़ा सा दबा करके और थोड़ा सही कर रही हूँ, नहीं तो खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी लगती है और फिर अच्छी नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर मेरे टमाटर हो रहे हैं, इन्हें मैंने ढक दिया है वापस से, और यहाँ पर मैं वापस से फेंटने लग गई हूँ क्योंकि दही के दाने आते हैं ना तो वो भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक डाला है, उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर और साथ में डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो धनिया जो रायता होता है ना उसके अंदर ना जीरा पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, भुना हुआ जीरा है जिसको मैंने पीस करके रख रखा है। इससे क्या होता है जल्दी से डाल लो रायता बनाओ, तो कई बार ऐसा होता है कि ये खाने बैठ जाते हैं फिर बोलते हैं अचानक से कि रायता भी बना दी, तो फिर मैं जल्दी से बनाती हूँ ना, जैसे बथुए का रायता है या कुछ, तो फिर उस समय भुनना नहीं पड़ता है जीरा और पीसना भी नहीं पड़ता है इस तरह से रखा रहे तो। तो बस ये हो गया है, मेरा रायता बन गया है, और मैं दोनों कटोरियों में निकाल के रख दूँगी, इसका हर्षित का भी और उसके पापा का भी कटोरी में करके रख दूँगी, जिससे कि जब मैं अभी बर्तन माँजूँगी ना तो सारे बड़े बड़े बर्तन सारे मच जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने नमक को थोड़ा सा टेस्ट किया है, तो नमक मेरा थोड़ा सा कम है तो मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड कर दिया है, और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी और बस इनको कटोरियों में डाल करके रख दूँगी, और जो बड़ा बाउल है उसे मैं माँजने के लिए सिंक में रख दूँगी। तो मेरे रायता तैयार हो गया है, इसे मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, बाकी का जो पिसा हुआ बथुआ है उसको मैं रख दूँगी, ये दोबारा से काम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि सब्ज़ी के क्या हाल चाल है। तो सब्ज़ी जो मेरी है वो ऑलमोस्ट हो गई है, बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी फाइनली सब्जी वाला मसाला और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैं मसाला ले आई हूँ और मैंने उसको भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, और मसाला जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। ये मसाला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी के अंदर, और इनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरी सब्जी को, तो मेरी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी सी बन गई है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी हलवाई ने बनाई हो। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो फुल डन हो चुकी है और मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला था। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पूरे मस्ती के मूड में हो रखे हैं, एक्चुअली सर्दी हो रही है ना तो मैंने हर्षित को कहा कि वो गाने चला ले, इससे ये बच्चे क्या करते हैं दोनों की दोनों डांस कर लेते हैं। डांस करने से क्या होता है बहुत ज़्यादा है ना शरीर में गर्मी आ जाती है और फिर सर्दी लगना बंद हो जाती है, वरना बच्चे बिस्तरों के अंदर ही बैठे रहते हैं बीमार होकर, जैसे जैसे कितने बीमार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ ऐसी एक्टिविटी कराऊं जिससे कि इनको इनके शरीर के अंदर गर्मी आए, गर्माहट मिले और ये दोनों फिर खेलने में लग जाए, वरना ये दोनों बिस्तरों में ही बैठे रहेंगे। तो मैंने इसलिए हर्षित को बोला कि चलो तुम लोग गाने चला लो और डांस कर लो। तो सर्दी भगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे तो ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है ना तो वो गाने चला के डांस कर ले, एक गाने पे डांस कर ले फिर उसके बाद में अपना काम करना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी छूमंतर हो जाती है। दिखाओ कहाँ है पागल, ये पागल है, इतनी समझदार, इसकी तो कोई तारीफ ही नहीं है, मतलब इतनी तारीफ है कि बस पूछो ही मत। देख लग रही है, ऐसा कौन पागल इंसान, कितनी अच्छी लग रही है भगवान, कितनी अच्छी फोटो आई है और ना उसमें भी नुक्स निकाल रहे बैठे बैठे उसमें भी नुक्स निकाल रहे, मेरी रोटी जल जाएगी इस चक्कर में, रोटी जल गई सेव ले हुए, हाँ नहीं जली नहीं है, बच गई हर्षित खा ली, ये तुम क्या कर रहे हो, हर्षित ने खा ली, घुस गया अंदर, और इनको देखो रात के 12 बजे और टाइम भी 12:30 और ये देखो औलाद अब तक नहीं सोई है, और ये देखो मैगी बनवा के सर्दी में परेशान कर रहे और एक चम्मच भी खाने को नहीं दी है।
कि एक चम्मच भी खाने को दी ले, ले, ले। नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कैसे कैसे वो मार मार के खा रहे हो क्या बोलते नहीं वो साम वो लेते ना सीप लेते ना ऐसे देख देखना कैसे खाएंगे देखना। आज आम की वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखा सबको पता चलना चाहिए कि रात के 12 बजे क्या करते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तेरी माँ को कभी भूल नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना। और इनको देखो रात के 12 बजे। सो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यही है मेरी छोटी मोटी सी लाइफ और यही है मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग। आई रियली होप कि आपने इन्जॉय की होगी मेरी लाइफ को और मेरे व्लॉग को। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।